डिटेलिंग। आपको पता है डिटेलिंग सीखी नहीं जा सकती, या फिर आपने डिटेलिंग के ऊपर कोई भी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पर। सारी अलग अलग क्यों होती हैं? कुछ लोग एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर डिटेलिंग करके दिखाते हैं, कुछ लोग आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ अपने टूल्स के बारे में बता देते हैं। तो जब सबके रेफरेंस अलग होते हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई आपके एक पर्टिकुलर एरिया को देखकर डिटेलिंग सीख सकता है? पर गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि डिटेलिंग एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक्सपीरियंस और टाइम के साथ ही सीखी जा सकती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कि बिगिनर है, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो 1, 2 या 3 साल से ड्राइंग करते आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको डिटेलिंग के टाइप्स बताऊंगा कि वो किस किस प्रकार के होते हैं, और उनके मेथड्स बताऊंगा कि उन्हें आप कर कैसे सकते हो, और थोड़ा टूल्स के बारे में भी बताऊंगा कि आप इसको डिटेलिंग के ऊपर कैसे और किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, इसमें मैंने शेडो और हाईलाइट डिटेलिंग्स के बारे में बात करी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पहले एक बार ही देख लेना, फिर ये वाली वीडियो देखना, आपको सब समझ आ जाएगा अच्छे से। तो हमारा सबसे मोस्ट हाइप डिटेलिंग पार्ट है हेयर्स। हेयर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि सर के बाल, या फिर बियर्ड हेयर, फेशियल हेयर एक्सेट्रा। तो अलग अलग हेयर के अलग अलग मेथड्स होते हैं बनाने के। तो मैं आपको पहले सर के बालों के बारे में बता देता हूँ कि आप उन्हें बना कैसे सकते हैं, डिटेलिंग्स कैसे कर सकते हो उनमें। तो जब भी आप एक रियलिस्टिक स्केच बनाते हो तो उसमें डिटेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और डिटेलिंग के लिए हमेशा आपको एक बेस लेयर चढ़ानी होती है शेडिंग से। तो मैं क्या करता हूँ, काले बालों के लिए मैं 8B या 6B की लेयर चढ़ाता हूँ ग्रेफाइट पाउडर यूज़ करके। ग्रेफाइट पाउडर और ब्रश का यूज़ करके मैं सर पे एक बेस लेयर चढ़ाता हूँ, फिर उससे क्या होता है एक लाइट सी बेस लेयर बन जाती है जो कि मिट भी सकती है आराम से। तो जहाँ पे मुझे हाईलाइट्स चाहिए तो मैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इरेजर का यूज़ करके वहाँ पे हाईलाइट्स बना लेता हूँ, और हाईलाइट्स बनाने के बाद वो पता चल जाता है कि यहाँ पे हाईलाइट्स है, तो वहाँ पे हमें फिल नहीं करना होता ब्लैक पेंसिल से। फिर मैं 10B या 8B पेंसिल उठाता हूँ, और जहाँ पे भी ज़्यादा डार्क होता है वहाँ पे पूरा ऐसे फिल कर देता हूँ। जहाँ पे थोड़ा लाइट होता है और ऐसा लगता है कि एक एक बाल दिख रहा है, तो एक एक बाल बनाने की कोशिश करता हूँ। रियलिस्टिक स्केच में यही होता है कि अगर आप एक एक चीज़ को ज़्यादा टाइम दोगे तो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। तो आपको यहाँ पे एक एक बाल बनाना पड़ेगा, जहाँ पे दिख रहा है तो बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने भी ऐसे बनाया, ठीक है। तो एक तो ये होगी, आप इलेक्ट्रिकल इरेजर से अपनी डिटेलिंग कर सकते हो। अगर वो ज़्यादा ब्राइट लग रहे हो तो आप ब्लेंडिंग स्टम्प से उसके ऊपर वो कर सकते हो ब्लेंडिंग। एक और मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा हाइप्ड है और सारे यूज़ भी करते हैं, वो है इंडेंटिंग प्रोसेस। इंडेंटिंग में क्या होता है कि आप एक पेपर में निशान बना लेते हो, उसमें क्या हो जाता है गड्ढा हो जाता है, फिर जब आप उसके ऊपर कोई पेंसिल वेंसिल चलाते हो तो उस पर पेंसिल चलती नहीं है क्योंकि वो गड्ढा बन जाता है उसमें, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको क्या करना है, आपको बस एक खाली पेन लेना है और अपने रेफरेंस पिक्चर को ऑब्जर्व करके उस एरिया पे खाली पेन चलाना है, और खाली पेन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, और लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। और जहाँ पे भी कर्ली हेयर हो वहाँ पे इंडेंटिंग मत करना, वहाँ पे आप व्हाइट जेल पेन यूज़ कर लेना इंडेंटिंग, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेट लाइनों में ही यूज़ हो सकती है। क्योंकि क्या होता है कि वो हाईलाइट ज़्यादा ही ब्राइट लगने लगते हैं, तो आप क्या कर सकते हो उसके ऊपर मेकअप ब्रश चला सकते हो। और इंडेंटिंग आपको शायद अब समझ आ गया होगा, आप इसको 1-2 बार ही प्रैक्टिस करना रफ पेपर में, बहुत ही आसान होता है, आप एक बार ही प्रैक्टिस कर लेना पहले, ठीक है। जो एकदम ही हाइलाइटेड हेयर्स निकलते हैं ना टेढ़े मेढ़े, जो कि एकदम ही वाइट होते हैं, आप वो बना सकते हो वाइट जेल पेन से, और वो बहुत ही अच्छे बनते हैं वाइट जेल पेन से, और किसी चीज़ से बन ही नहीं सकते वो। तो ऐसे आप हेयर डिटेलिंग्स कर सकते हो। यही बात है, डिटेलिंग के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप जब बनाओगे और ये सुनने के बाद बनाओगे तो आपको पता होगा कि आपको कैसे करना है। आप पहले एक्सपीरियंस करो तभी आपको डिटेलिंग्स अच्छे से आएंगी, और मेरे को पता आप कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं बियर्ड हेयर। बियर्ड हेयर में क्या होता है, वैसे ही आपको पहले एक सेम बेस लेयर चढ़ानी होती है। अगर स्किन ज़्यादा ही लाइट है तो आप बेस लेयर मत चढ़ाना, अगर थोड़ी सही सी है डार्क है तो आप बेस लेयर चढ़ा सकते हो। तो बेस लेयर चढ़ाने के बाद में अगर आपका बियर्ड लेंथ एकदम छोटा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बस एक छोटी छोटी लाइन्स मारनी है, और बियर्ड में आपको एक एक बाल बनाना होता है, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और कभी कभी बियर्ड में भी इंडेंटिंग का भी यूज़ होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। घबराना नहीं है, आपको बस अपने रेफरेंस को ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है कि जहाँ पे ज़्यादा हाईलाइटेड है तो आप वहाँ पे इंडेंटिंग का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे ठीक ठाक है तो वहाँ पे आप रबर या फिर आप कोई व्हाइट जेल पेन भी यूज़ कर सकते हो।
अच्छा, व्हाइट जेल पेन ज़्यादा ब्राइट होता है, तो अगर आपको उसको थोड़ा कम करना है तो आप मेकअप ब्रश से उसको ब्लेंड कर सकते हो और एकदम ब्राइटनेस उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा हेयर का डिटेलिंग का पार्ट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब आता है हमारा दूसरा डिटेलिंग का पार्ट, स्किन टेक्सचर्स। स्किन टेक्सचर्स में हमारे आते हैं फ्रैकल्स, स्किन पोर्स, रिंकल्स एंड एटसेट्रा। तो ये दो तीन चीज़ें आती हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना होता है, जब एक ब्राइट फेस बना रहे हो तो बी पेंसिल का आपको ग्रेफाइट पाउडर होना ज़रूरी होता है। तो फिर आप बी ग्रेफाइट पाउडर से या फिर एच बी या फिर 2H या H पेंसिल का भी ग्रेफाइट पाउडर यूज़ करके एक बेस लेयर चढ़ा सकते हो, और जहाँ पे ज़्यादा डार्क हो, जहाँ पे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हो, वहाँ पे आप 6B या 8B का भी बेस लेयर चढ़ा सकते हो। बेस लेयर से क्या होता है, आपकी डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो आप पहले बेस लेयर चढ़ा दो, बेस लेयर चढ़ाने के बाद आपने अपने रेफरेंस को ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करने के बाद अपने मोनोजीरो इरेजर या फिर इलेक्ट्रिकल इरेजर उठा के पोर्स बनाने। पोर्स आप देख सकते हैं, या तो गोले गोले होते हैं वो छोटे छोटे, या तो हल्की हल्की लंबी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होती है जिगजैग फॉर्म में, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये ऐसे पोर्स होते हैं, स्किन टेक्सचर्स होते हैं। स्किन टेक्सचर आपको रेफरेंस से देख के बनाने होते हैं, और पहली बात आपको रेफरेंस ही अच्छी चूज़ करनी पड़ेगी। अगर रेफरेंस ही बेकार, ब्लर वगैरह होगी तो आप डिटेलिंग तो कर ही नहीं सकते, और रेफरेंस भी एक अच्छी रेजोल्यूशन की चूज़ करना। तो फिर अच्छे से पोर्स बना लेना, फिर क्या करना, उसके आपको एच या 2H पेंसिल लेनी है और उसके आसपास शेड करना है, पोर्स के आसपास शेड करना है। तो क्या होगा, वो जो पोर्स होंगे वो उभर के दिखेंगे, ठीक है। और ऐसे अगर पोर्स ज़्यादा ब्राइट लग रहे हो तो उनके ऊपर मेकअप ब्रश से आप हल्का सा चला देना, वो थोड़ी उनकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। एच या 2H पेंसिल का यूज़ करके पोर्स के आसपास चलाने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो मैं रेफरेंस बना रहा हूँ वो स्मूथ है, उसका फेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लेंडिंग स्टंप ले रहा हूँ, जहाँ पे भी मैंने पेंसिल चलाई है पोर्स के आसपास उसके ऊपर मैं रब कर रहा हूँ ताकि स्मूथनेस बढ़ जाए। तो वैसे देखना पड़ता है, अगर किसी बंदे की रफ है स्किन, आप ज़रूरी नहीं आप बस ऐसे ही शेड करके भी छोड़ सकते हो, पोर्स के आसपास शेड करके भी छोड़ सकते हो, और जिसके स्मूथ होता है आप उसको स्मूथ कर दीजिए, अच्छा लगता है। ऐसे ही होता है, आपको रेफरेंस को जितना अच्छा आपको रेफरेंस को ऑब्जर्व करना आएगा उतने अच्छे आपकी डिटेलिंग बढ़ती जाएगी। और स्किन टेक्सचर्स आप वाइट जेल पेन भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर ज़्यादा ही ब्राइट होता है और फ्रैकल्स बनते हैं। वो फ्रैकल्स बनाना बहुत आसान होता है, आप एक ब्लेंडिंग स्टंप लो, उसके ऊपर ग्रेफाइट पाउडर लगाओ और हल्का हल्का बस एक डॉट मार दो, फ्रैकल्स बन गए आपके। इजी होता है सब, बस आपको जब एक्सपीरियंस मिलेगा ना तो आपको सब इजी लगने लग जाएगा। अब लास्ट स्टेज में आपको बता देता हूँ, पेशेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की इन डिटेलिंग। आप जितना हो सके उतना टाइम दो डिटेलिंग को। जब आप एक ड्राइंग बनाते हो तो आपको साथ साथ पता लगता रहता है कि हाँ यहाँ पे थोड़ी कमी है, तो आप उस कमी को फिल कर सकते हो। तो पेशेंस बहुत होना ज़रूरी है। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हो तो ये वीडियो शेयर कर देना ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और मेरे को कमेंट्स में ये भी बता देना कि कोई मैंने पार्ट मिस कर दिया हो, या फिर आपको और किसी चीज़ के ट्यूटोरियल चाहिए हो तो वो मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं पढ़ता हूँ। तो वीडियोस आती रहेंगी। बाय बाय।